स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स विद रवि लॉजी में। दोस्तों आज हम कक्षा 7 हिंदी पाठ है आपका 8वां और नाम है शाम एक किसान। तो यह एक कविता है और इसके सारे क्वेश्चन आंसर हम करने वाले हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम कि इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है और इसे बनाने के लिए 5 एक रूपताएँ जोड़ी गई हैं, उसे उपमा कहते हैं। उपमा किसे कहते हैं वो मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। पहली एक रूपता आकाश और छापे में दिखाई देते हुए कविता में आकाश का छापा वाक्यांश आया है। और इसी प्रकार तीसरी एक रूपता नदी और चादर में दिखाई गई, जैसे मानो नदी चादर सी हो। जब आप दूसरी चौथी और पांचवी एक रूपताएँ खोज कर इसे आपको लिखना है। तो सबसे पहली बात उपमा किसे कहते हैं, तो देखिए उपमा होता है कि किसी भी चीज़ को बड़ा चढ़ाकर कहना। जैसे मैं ये कह दूँ कि उसकी आंखें हिरनी जैसी हैं, तो क्या ऐसी आंखें हो सकती है? बिल्कुल ऐसी आंखें नहीं होती हैं। और ऐसे एक और बात बताता हूँ, जैसे वो चंद्रमा के समान सफ़ेद है, तो चंद्रमा की किसी के साथ मतलब जैसे उसकी तुलना कर रहे हैं, तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन उसकी तुलना की जाती है। जब तुलना किसी दूसरे चीज़ के साथ की जाती है तो उसे उपमा कहते हैं या उसको उसकी उपमा दी गई है। तो इस प्रकार आपको बताना है दूसरी चौथी और पांचवी। तो दूसरी में है जैसे सूरज की चिलम, ये अपने पाठ के अंदर से ही है। पलाश के जंगल की अंगीठी, भेड़ों के गल्ले सा अंधकार। तो इस प्रकार आपको ये सारी यहाँ से देख के लिख लेनी है। दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे कि शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताना है। तो इस वाले क्वेश्चन में आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ जो आप आराम से लिख पाएंगे। पहला है कि शाम कब से शुरू हुई, दूसरा है तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा और इस बीच आकाश में क्या क्या परिवर्तन आया। इन सभी यानी कि तीनों सवालों का आपको जवाब एक एक करके देना है। तो पहले का आंसर क्या लिखेंगे, पहला है कि जैसे लगभग 6 बजे के आसपास जब सूरज पश्चिम की ओर पहुँचा तब शाम हुई। सूरज पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है 6 बजे के लगभग, तो तब ये शाम हुई। और 6 बजे से लेकर सूरज डूबने में लगभग कितना टाइम लगा, लगभग 1.5 घंटे का समय लगा। तो 1 से 1.5 घंटे का समय शाम होने में लगता है। और इस दौरान आसमान में क्या परिवर्तन आया, तो जो उसमें लालिमा छा गई और देखते देखते सूरज धीरे धीरे बादलों की ओट में डूबने लगा और धीरे धीरे अंधेरा हो गया। तीसरा प्रश्न पढ़ेंगे, मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो, सुनते हो नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें एक या अलग अलग शब्दों में बताना है। तो कबूतर, कौवा, मैना, तोता, चील, हंस, इन सभी की बोली को आपको बताना है कि वो क्या संदेश देते हैं। तो सबसे पहला है कबूतर। कबूतर क्या संदेश देता है, कबूतर का काम ही है खत लाना, खुद संदेश लाता है। मैना है गीत सुनाओ, चील देखते हो, कौवा मेहमान आने वाले हैं, तोता राम राम सा, हंस हमेशा शांत रहो। अब कविता से आगे कुछ इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो इसका क्वेश्चन पढ़ेंगे पहला कि इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग किया गया है। तो इस कविता को चित्रित करने के लिए क्या क्या होगा, पीला, सुनहरा, सफ़ेद, लाल, काला, हरा आदि रंग का प्रयोग हुआ है। शाम के समय में क्या करते हैं आप पता लगाइए, जैसे पक्षी क्या करते हैं, खिलाड़ी, फल वाले, माँ, पेड़ पौधे, पिताजी, किसान और बच्चे। तो ये अपने आप से लिख लेना है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि कौन क्या करता है। पक्षी क्या करेंगे, अपने घोंसले में आएंगे, जहाँ खाना खाने गए वहाँ से फिर आएंगे। खिलाड़ी अपना खेल समाप्त करके विश्राम करेंगे, घर पे लौटेंगे। फल वाले फल बेचेंगे, माँ रात का खाना तैयार करेगी। पेड़ पौधे अपनी जगह खड़े रहकर मानो विश्राम कर रहे हो। पिताजी दफ्तर से घर आएंगे, किसान खेतों से लौटकर घर को जाएंगे और बच्चे खेल कूद कर अपने घर को वापस आएंगे। इस प्रकार आपको लिखना है। अगला है कि हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत, इन्होंने संध्या के बारे में कुछ लिखा है। देखो ये चीज़ें आपको लिखनी नहीं है, ये आपको समझनी है। संध्या का चुटपुट, बाँसों का झुरमुट, चहक रही चिड़ियाँ, टीवी टीवी टूटू। तो इस प्रकार से सुमित्रानंदन पंत वैसे भी प्रकृति कवि माने जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये कुछ कर लेना है, लेकिन आगे एक सवाल इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, जो आपके करने लायक है नहीं। तो यहाँ तक आप पहुँच गए हैं तो वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब के आपके पैसे नहीं लगते, आपको नॉलेज ही मिलेगा। आप बिना काम की चीज़ें देखते हैं, इससे बेटर है कि आपको काम की चीज़ मिल रही है वो भी फ्री में। तो आप ये ना देखें कि आप अपना समय ख़राब कर रहे हैं। आप ये वीडियो 5 मिनट की बनी होगी तो 5 मिनट में आप कोई से भी सवाल नहीं कर सकते, लेकिन इस वीडियो को देखकर आप सारे
सवाल को रिवाइज कर सकते हो। तो मिलेंगे हम इस प्रकार नई वीडियो के साथ, तब तक आप पढ़ाई करते रहो, अपना ध्यान रखें। जय हिंद।